Come watch my movie Jawan, releasing at a cinema location near you. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, तबाही ऑन फायर। जवान ने जो इतने टाइम से खामोश रह के ट्रेनिंग की थी, अब लगातार बॉक्स ऑफिस पर एडवांस कलेक्शन पर बैक टू बैक जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जबरदस्त एडवांस बुकिंग मैंने आज तक नहीं देखी थी। आज डे 3 एडवांस बुकिंग का जवान का है और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज शाम 4 बजे तक इसने गदर 2 के फर्स्ट डे एडवांस कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जो 17 करोड़ के आसपास था। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 60% की बुकिंग चालू कर दी गई है। बड़ी बड़ी सिटीज में प्रॉपर तरीके से एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। अभी भी पूरे भारत में 40% की बुकिंग चालू होना बाकी है और पूरे 3 दिन बचे हैं भाई साहब। कल और लास्ट 6 तारीख को तो सुनामी आ जाएगी बुकिंग में। मुझे तो लग रहा है कहीं बुकिंग पोर्टल ही क्रैश ना होने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आज 4 सितंबर शाम 4 बजे तक की अपडेटेड एंड फाइनल एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे। कितने टिकट अभी तक बेच चुकी है जवान और कितना एडवांस कलेक्शन अभी तक जवान कर चुकी है और कितना कलेक्शन कर सकता है और डे 1 का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना रहने वाला है, कितना सीट ये एडवांस में ही बेच देंगे मूवी रिलीज से पहले ही, सब बातों पर चर्चा होगी एक एक करके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना। लेकिन उससे पहले अगर SRK के डाई हार्ट फैन हो और जवान मूवी का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हो तो वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो आज शाम 4 बजे तक टोटल 6,570 सोज जवान अपने खाते में रख चुका है, जिसमें से मोटा मोटा मैं बताऊं तो लगभग 1200 सोज हाउसफुल हो चुके हैं, 800 से ज्यादा 50% से ऊपर भर चुके हैं और रेस्ट ऑफ द सोज भी लगातार फिलअप होते चल रहे हैं। तो दोस्तों, सच में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मतलब आफ्टर पठान ऐसा बवाल मचेगा बाय गॉड किसी ने ना सोचा था। इसी के साथ हिंदी ऑडियंस से जो फाड़ू रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जबकि जवान ने इस बार नॉर्थ में कोई प्रमोशन भी नहीं करा था। हिंदी ऑडियंस के लिए कोई प्रमोशन स्ट्रेटजी है ही नहीं जवान के पास, ऐसा दिल से प्यार निकल रहा है लोगों के SRK के लिए। जी हां दोस्तों, हिंदी से सिर्फ 16.65 करोड़ एडवांस कलेक्शन जवान अभी तक कर चुकी है 4 सितंबर शाम 4 बजे तक पहले 3 दिन में, और 5,70,000 टिकट एडवांस बुकिंग में सोल्ड आउट कर चुकी है सिर्फ हिंदी से, वो भी एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड 263 रुपीज पर सीट। दोस्तों, साउथ से भी सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और वाकई में SRK की ये स्ट्रेटजी काम भी आ रही है। साउथ में वो बिग प्रमोशनल इवेंट करा था ना, वही वाला। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ तमिल से 38 लाख का एडवांस कलेक्शन और 24,500 टिकट एडवांस बुकिंग में सोल्ड आउट कर चुके हैं, वो भी 145 रुपीज ऑफ एवरेज प्राइस। इसी के साथ तेलुगु से बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु से इस बार 25 लाख का एडवांस कलेक्शन और 19,415 टिकट एडवांस बुकिंग में सोल्ड आउट कर चुका है जवान, वो भी 127 रुपीज का एवरेज प्राइस के साथ। इसी के साथ अगर मैं साउथ में तमिल और तेलुगु दोनों को कलेक्शन के ऐड कर दूं पहले 3 दिन के, लगभग 61 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है और एंड ऑफ 7 सितंबर तक शायद 2 करोड़ टच कर ही देगा अगर मैं छोटे से छोटा आंकड़ा लूं तो। और अभी पूरे 2 दिन बचे हैं, 5 और 6 तारीख। इसी के साथ आज की पूरी रात है और 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक एडवांस बुकिंग ही बुकिंग होगी, तो मे बी 2 करोड़ का प्लस आंकड़ा आराम से चला जाएगा। बहुत छोटा नंबर ले रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है एंड ऑफ 7 सितंबर तक 4 करोड़ के आसपास आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं, अभी सिर्फ 2 करोड़ का आंकड़ा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि पठान को जो इजीली बीट डाउन कर देगी, क्योंकि फर्स्ट डे पठान का एडवांस कलेक्शन रिकॉर्ड था 1 करोड़ के आसपास साउथ से, और जबकि मुझे लग रहा है कल एंड ऑफ द डे तक ये 1 करोड़ का जो जवान का तमिल तेलुगु से क्रॉस हो जाएगा आराम से। इसी के साथ बात अगर IMAX की करूं तो लगभग 85 लाख का एडवांस कलेक्शन जवान आज शाम 4 बजे तक कर चुकी है, अराउंड 12,307 टिकट को एडवांस बुकिंग में सोल्ड आउट करके एट द प्राइस ऑफ 700। और अब मैं पूरा टोटल बताऊं, आज 4 सितंबर शाम 4 बजे तक टोटल कितना कलेक्शन अभी तक कर लिया है मूवी ने, तो यस, 18.20 करोड़ का कलेक्शन एडवांस से ही अपने पहले 3 दिन में ही जवान ने कर लिया है और टोटल 6,30,000 टिकट ये बेच चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों, अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं, 7 सितंबर आते आते और पहले 3 दिन में ही 18.20
करोड़ का एडवांस कलेक्शन। तो कल परसों और 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक ये आंकड़ा आराम से डबल हो जाएगा। डेफिनेटली अराउंड 40 करोड़ का एडवांस कलेक्शन जवान करके ले जाएगा 7 सितंबर तक। तो मैं मान के चल रहा हूँ डे वन में 65-70 करोड़ का आंकड़ा इंडिया से कहीं नहीं गया। इसी के साथ अगर तमिल तेलुगु से भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल गया और ओवरसीज से भी लगभग 45 करोड़ तक का कलेक्शन डे वन से आ गया, तो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का 140 करोड़ प्लस जाएगा डेफिनेटली। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, और बुकिंग जोरों पर चल रही है जहां पर आप रहते हैं, अगर वहां पर भी बुकिंग चालू हो गई है तो आप भी बुकिंग लीजिए, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का है, तो वो आराम से एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों का क्या कहना है, जवान सिर्फ एडवांस से 40 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, और डे वन में इंडिया से क्या 70 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं जवान। इसी के साथ क्या पहले दिन में पूरी दुनिया से जवान अपने ओपनिंग डे यानी फर्स्ट डे में 150 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर पाएगी या नहीं, या टच कर पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।